झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ राजभवन के सामने धरना पर बैठा है। ये अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले ये 29 जुलाई से विधानसभा मैदान में धरना दे रहे थे। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद ये राजभवन के पास आ गए। इनका धरना अनिश्चितकालीन है। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि उनका चयन 2004 में किया गया था। उनसे काम तो लिया जाता है, लेकिन उसके बदले उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। आज के इस महंगाई में एक दिन के लिए मात्र 65.66 रुपए ही दिया जाता है। इतनी महंगाई में इतने कम पैसे में हम क्या कर सकते हैं? इनका धरना प्रदर्शन राज्य के हर प्रखंड का एक एक दिन चलेगा। रविवार को रामगढ़ के मांडू प्रखंड का धरना था। तो हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनतंत्र पार्टी के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी, जो सरयू राय के पार्टी भी है, आप लोग जानते होंगे। इनसे बात करेंगे कि सर एक बात बताइए, यहाँ पे तो बहुत लोग आए और आश्वासन दिए और चले गए, आप भी अभी आए हैं, आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, ये जनता के हित के लिए पार्टी बनी है। सभी पार्टियाँ अपने व्यवस्था के लिए लगी हुई हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से अपनी झोली भरें। ये जनता के लिए पार्टी है, जनता का कार्य करने के लिए पार्टी है। हमारे माननीय जो मार्गदर्शक है सरयू राय जी, उन्होंने कहा कि जनता से मिलिए, संपर्क कीजिए, समस्या को जानिए, उसका समाधान कीजिए। इनका कार्य 100% होगा, इसलिए होगा कि नियम पर नियमों को ताक पर रख करके सरकार सोई हुई है। इनको 66.66 रुपया मिलता है, बरसों से ये बिना पैसे का भी कार्य किए हैं, देश हित में, समाज हित में और प्रदेश हित में। तो हमारी प्रदेश की जो सरकार है उसको जगना चाहिए और जग करके इनके प्रति सोचना चाहिए, कार्य करना चाहिए। न्यूनतम वेतन भी आज फिक्स है 395 रुपया, लेकिन इनको मिलता है 66 रुपया। ये भी अपना घर परिवार छोड़ करके वहाँ जा करके 8 घंटा ड्यूटी करती हैं और उनके सारे नियमों को मानती हैं, तो इनको 66 रुपया क्यों और आपको लाखों रुपये क्यों? तो यही भेद है कि कोई परेशान है जिसके पास कुछ नहीं है और कोई परेशान है कि उसके पास सब कुछ है। तो ये कार्य को भारतीय जनतंत्र मोर्चा करेगी, और पार्टियों जैसे हम नहीं हैं। हमारी मांगों को सरकार को मानना पड़ेगा, इसलिए मानना पड़ेगा कि ये मांग जायज है, न्याय संगत है। ये कहाँ का न्याय है कि एक आँख में काजल और एक आँख में सुरमा? ये न्याय संगत है ही नहीं, इसलिए सरकार को मानना पड़ेगा। ठीक है सर, एक बात बताइए, ये दूसरे के बच्चों लोग को खिलाती हैं, इन लोग के बच्चे खुद भूखे रह जाते हैं, और आप जैसे बोल रहे हैं चलिए सब चीज़ ठीक है, लेकिन सेम बात सारे मंत्री लोग आके यहाँ पे बोलते हैं, नेता लोग आके बोलते हैं, लेकिन कुछ होने वाला है नहीं। देखिए क्या है ना, जनता परेशान है, इसलिए परेशान है कि उसको परेशान हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया है, हमारी सरकारों ने किया है। तो अब जनता जग रही है, अशिक्षा के माध्यम से लोग इसको दबा रहे थे, ये भी अब उस शिक्षा मंदिर में जा करके ये भी शिक्षित हो गई हैं, तभी तो अपना मांग उठाई है। इनके मांगों को मानना ही पड़ेगा, ये 100% मान के चलिए कि नेता हो, मंत्री हो, जो भी यहाँ पर आके जो किए हैं, लेकिन हम जो मांग उठाएंगे उनको मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि हमारा आत्मबल कमज़ोर नहीं है, हम चमचे नहीं हैं, हमारा आत्मबल कमज़ोर नहीं है, हमको इनके साथ हैं और इनकी मांगों को सरकार को विचार करके और इसको पूरा करना होगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, ईडी आजकल छापेमारी इतना कर रही है, करोड़ों के करोड़ों रुपया पकड़ा आ रहा है, उन लोगों को करोड़ों रुपया चला जा रहा है, लेकिन इन लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, अभी आप सुने होंगे प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं नरेंद्र मोदी जी, 15 अगस्त को उन्होंने भ्रष्टाचार पर ही कुठाराघात किया कि एक के पास कुछ नहीं है और एक के पास रखने का जगह नहीं है, जो ये खाई उन्होंने बताया भ्रष्टाचार को लेके। तो अब सरकार जो केंद्र में, वो भ्रष्टाचार पर ही कार्य करेगी, उनसे जो मैसेज यही लग रहा है कि अब वो बेरोजगारी पर काम नहीं करेगी, रोजगार पर काम जो उसका सिस्टम कर रहा है, लेकिन वो भ्रष्टाचार पर कार्य करेगी, ऐसे अफसरों को और ऐसे जनप्रतिनिधियों को पकड़ेगी। आप देख रहे हैं कि जहाँ करोड़ों करोड़ रुपये मिल रहे हैं, इसका कारण यही, ठीक है ना, इसलिए समस्या का समाधान होगा। तो जैसा कि आपने धर्मेंद्र जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि हम लोग आए हैं, तो अब हम लोग जब आए हैं तो यहाँ पे अब कुछ ना कुछ होगा ही। वैसे सारे नेता लोग ऐसे आके कहते हैं, अब देखना ये होगा कि ये भी इनका मांग पूरा करवा रहे हैं कि नहीं। रांची से जीएन भारत के लिए सोनू पांडे की रिपोर्ट।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।